हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि सपोज ये पेन है, इस पेन को हम अगर एक सिल्क क्लॉथ से इस तरीके से रबिंग करें बहुत देर तक और उसके बाद इसे ज़मीन पर ले जाएँ, तो इससे डस्ट पार्टिकल्स, कागज़ के पार्टिकल्स अगर वहाँ हैं, छोटे छोटे तिनके, घास के तिनके, लीव्स, जिससे चिपक जाते हैं। तो यही डेली लाइफ में देखा गया है कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रिफाइड हो गया है ये पैन या ये जो प्लास्टिक का रॉड है या कोई भी एलिमेंट है, वो चार्ज हो गया है। इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। इसके बारे में सबसे पहले नोटिस किया था 600 BC में थेल्स ने। थेल्स साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे थेल्स फ्रॉम माइलेटस। माइलेटस एक जगह है जहाँ के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि अंबर एक मटेरियल होता है, गम लाइक गम की तरह दिखता है, सब्सटेंस होता है, ये येलो कलर का एक चीज सब्सटेंस होता है, गम की तरह दिखता है। और जब इस अंबर को हम वूलन क्लॉथ से रबिंग करते हैं, इन दोनों की रबिंग करते हैं, अंबर और वूलन क्लॉथ की जब हम रबिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि अंबर में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, अंबर का जो पार्ट सब्सटेंस है में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जो छोटे छोटे घास के तिनके, लीव्स, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, इस तरीके के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करने लगता है अंबर, है ना। तो ये नोटिस किया उस टाइम पे ओनली थेल्स ने। इसके बाद 1600 AD में साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो कि महारानी एलिजाबेथ के यहाँ एक पर्सनल डॉक्टर भी थे, ये उनके इंग्लिश साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे उस टाइम पे जब ये अंबर के बारे में सबसे पहले जो थेल्स ने डिस्कवरी की थी, अंबर इस तरीके से अटैक कर लेता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो अंबर की तरह ही बिहेव करने वाले कुछ सब्सटेंसेस की उन्होंने लिस्ट बनाई और उनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी की उन्होंने, और उस स्टडी को उन्होंने एक बुक थी डी मैग्नेटे, उसमें उन्होंने लिखा इसके बारे में, सिस्टमेटिक स्टडी की। और जो अंबर की तरह बिहेव करते हैं सब्सटेंसेस बिहेव लाइक अंबर, उनको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रिका उन्होंने नाम दिया इस बुक में। अच्छा, अंबर को ग्रीक में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये के आएगा, यहां ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ही ओरिजिन है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ही सबका इनका ओरिजिन है। अंबर को ग्रीक में कहते हैं इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी भी यही रबिंग की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स को जब हम रबिंग करते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, तो वहां फ्रिक्शन होता है ना। तो फिर फ्रिक्शन होता है जब एक मटेरियल को, सपोज ये मार्कर पेन है, ये प्लास्टिक रॉड है, इसको हम अगर इस तरीके से रबिंग करते हैं, और रबिंग करने के बाद देखो ये फ्रिक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी।
फ्रिक्शन होना चाहिए, रफ सरफेसेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्मूथ सरफेस होंगे, पॉलिश्ड सरफेस होंगे तो ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, है ना। ये रफ सरफेसेस होने चाहिए तो फ्रिक्शन होना जरूरी है इनके बीच में, है ना। फ्रिक्शन और मटेरियल दो चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, फ्रिक्शन और मटेरियल अगर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे हम उसे, क्योंकि फ्रिक्शनल से वो जनरेट हुई है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जनरेट तो नहीं होती है एक्चुअली, हम कहते हैं क्रिएट हो गया ये पार्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देख रहे हैं यहां पे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे ग्लास रॉड लें हम और उसको रबिंग करें किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को जब हम रबिंग करेंगे तो ग्लास रॉड में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, लीव्स, पेपर्स, पीसेस, उनको ये अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही फाउंटेन पेन है, उसे हम रबिंग करते हैं, फाउंटेन पेन है उसे सपोज वूलन क्लॉथ्स, और इसी तरीके से अगर कॉम है, कंघा जो होता है, हम ड्राई हेयर से जब कॉम्बिंग करते हैं, कॉम को ड्राई हेयर से थ्रू पास करते हैं, ड्राई हेयर से, तो ये ग्लास रॉड, फाउंटेन पेन, कॉम, इन तीनों के पास ही एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये तीनों ही अट्रैक्ट करते हैं, लीव्स, पेपर्स, कास्केट, इनके छोटे छोटे हैं ना, इन सबको, ये तीनों ही एक प्रॉपर्टी आ जाती है इनमें, इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये क्या इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं हम इन्हें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि मैटर होना चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए और वहां पे फ्रिक्शन होना चाहिए उनके बीच में, तो यहाँ ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं इसकी जगह पे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रेस्ट में होने से प्रोड्यूस हुई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, यहां चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, और रेस्ट चार्ज ही क्या, पहले तो यही जान लें, चार्ज बस कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है, रिपल्सिव पावर आ जाती है, जरूरी नहीं अट्रैक्शन पावर ही आए, रिपल्सिव पावर ही भी आएगी, तो ये चार्ज एट रेस्ट होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चार्ज के बारे में, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किस वजह से आती है, ऐसा क्या होता है बॉडीज में, उसकी इंटरनल प्रोसेस के बारे में तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी की किस चीज का ट्रांसफर होता है, लेकिन चार्ज की वजह से ये प्रॉपर्टीज आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन है तो सिमिलरली जैसे ही देंगे, इट इज एन
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखिए मैंने बताया था कि मैटर होना चाहिए, जरूरी है, रबिंग जरूरी है। मैटर मींस मटेरियल के पार्टिकल्स ही हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनके पास ही प्रॉपर्टी आती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना। चार्ज, चार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो ये प्लास्टिक रॉड है या फाउंटेन पेन है या कुछ भी है, इसको हम जब रबिंग करते हैं, रबिंग सरफेस रफ सरफेस होना चाहिए, तो ट्रांसफर होता है मटेरियल्स का, या तो कुछ मटेरियल ट्रांसफर होके इससे क्लॉथ पे चला जाएगा या क्लॉथ का कुछ पार्ट इस पे आ जाएगा, है ना। तो किसका किसके ऊपर जाएगा ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन लो होता है उसका मैटर निकल के दूसरी सरफेसिस पे पहुंच जाता है। तो चार्ज क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। और सिंपल सी बात है, अभी थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं कि प्लस और माइनस कोई भी ऑब्जेक्ट है उस वो न्यूट्रल होता है इनिशियली। न्यूट्रल में क्या, किसके पास कोई चार्ज नहीं होता, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे उसमें, जब रबिंग करेंगे, सपोज हमने इसको इससे रबिंग किया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो चार्ज का डिसवेलेंस होना ही इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी का आना, ठीक है। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां से पॉजिटिव आएगा, वहां जिसके पास पहुंच जाएगा वहां नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अभी हम पढ़ने वाले हैं टू काइंड्स ऑफ चार्जेस में कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, वहां पे हम पता करेंगे भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ी सी डिटेल्स बता दी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, इनसे डिनोट करते हैं। कूलम्ब, कूलम्ब इसकी यूनिट होती है, है ना। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बेस देख रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वेट हम देख चुके हैं। तो ओवरऑल हमने पढ़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रबिंग करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो उस पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है और उस प्रॉपर्टी से वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो गया, है ना। क्या हो गया वो ऑब्जेक्ट? इलेक्ट्रीफाइड, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, ओके। तो ये बेस पार्ट, बेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ओके। तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कि चार्ज, चार्ज के बारे में जनरल, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है, रबिंग करने से आ जाती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल या लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है। ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में पता करेंगे ये चीज हम। फिलहाल उससे पहले हम पता कर लेते हैं यहाँ पे कि टू काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या है, दो तरह के चार्ज होते हैं और किस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते हैं। देखिए सपोज करते हैं हम ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड और ये एक छोटा सा पार्ट है सिल्क क्लॉथ का, सिल्क क्लॉथ, सिल्क का जो कपड़ा होता है सिल्क क्लॉथ, ठीक है। एक और हमने ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड और एक और हमने सिल्क क्लॉथ का पीस ले लिया दूसरा, ये सिल्क क्लॉथ का पीस है और ये ग्लास रॉड है, दो ग्लास रॉड वन, ये ग्लास रॉड।
सिसिल क्लॉक पीस वन एंड सिसिल क्लॉक पीस टू। और हमने एक ली एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट भी एक मटेरियल है, एबोनाइट रॉड। और एक और एबोनाइट रॉड हमने ली, एबोनाइट रॉड वन टू। और सिल्क क्लॉथ का एक और पीस लिया, सिल्क क्लॉथ पीस नंबर थ्री, और सिल्क क्लॉथ का एक और पीस लिया नंबर फोर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की रविंग करते हैं आपस में, इन दोनों की आपस में रविंग करते हैं, इन दोनों की रविंग करते हैं आपस में, इन दोनों की आपस में रविंग करते हैं, और इन दोनों की आपस में रविंग करते हैं। ठीक है, वन पार्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने चार एक्सपेरिमेंट किए। रविंग करने के बाद ये ग्लास रॉड अटैक करने लग जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ये भी ग्लास रॉड और ये एबोनाइट रॉड भी, और ये एबोनाइट रॉड भी, सारे के सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए रविंग करने के बाद की पोजीशन है। अभी रविंग करने से पहले की पोजीशन दिखाई थी, अब हम आते हैं ये पोजीशन है आफ्टर रविंग, आफ्टर रविंग। रविंग करने के बाद सपोज की कोई प्रॉपर्टी आ गई इसके पास, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, देखिए आफ्टर रविंग के बाद की हम पोजीशन देख रहे हैं कि इन दोनों को रविंग किया, इन दोनों को रविंग किया, सबको आपस में हमने रविंग किया यहां पे। और रविंग करने के बाद देखते हैं कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके पास भी कोई प्रॉपर्टी आ गई है, और ये एबोनाइट रॉड है, इसके पास भी एक प्रॉपर्टी आ गई है। ये देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज आएंगी, सिल्क क्लॉथ है तो सिमिलर प्रॉपर्टी आएंगी, क्योंकि ग्लास रॉड के साथ रविंग किया गया है, और ये सपोज दैट दिस और ये सिल्क क्लॉथ, इन दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी आएंगी क्योंकि इन दोनों को एबोनाइट रॉड से रविंग किया गया है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल्ड करती हैं, दोनों के बीच में रिपेल्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं। ऐसे ही ये एबोनाइट रॉड को जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं। देखो दोनों ही ग्लास रॉड हैं, दोनों को ही सिल्क क्लॉथ के साथ रविंग किया गया है, तो दोनों पे ही जो प्रॉपर्टी आई होगी वो सिमिलर प्रॉपर्टी आई होगी, तो हम यहां कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी यहां रिपल्सन, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर। ओके, हम कह सकते हैं यहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर, यहां पर भी रिपल्सन, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर। और ये ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड, इन दोनों को हम जब पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, है ना। और ये कैसी प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये अट्रैक्ट हो रही हैं, तो यहां लिख देंगे हम अट्रैक्शन, तो लिख देते हैं। और हमने एक चीज निकाल दिया यहाँ पे कंक्लूजन, और ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि ये ग्लास रॉड है, ये भी एबोनाइट रॉड है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, हमने यहां कंक्लूजन निकाला है, लाइक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, सिमिलर लाइक प्रॉपर्टीज, लाइक प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक प्रॉपर्टीज, अनलाइक प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, अभी आप ये मत सोचना कि किसके पास सेम प्रॉपर्टी आएगी, किसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, अभी जो मैं बता रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल है, पूरा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, फिर एक सीरीज बनाई थी सारे मटेरियल्स की कि आपस में रविंग करने के बाद किसके पास सेम प्रॉपर्टी आएंगी, किन दो के पास सेम प्रॉपर्टी आएंगी, किसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, उस प्रॉपर्टी को नाम क्या देंगे। अभी तो पहले नाम दे देते हैं लाइक प्रॉपर्टीज को। तो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ग्लास रॉड को इस प्रॉपर्टी का एक नाम दिया। ये प्रॉपर्टी क्या है, यही तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक नाम दिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इसका नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर उसे सिलिक क्लॉथ के साथ रबिंग किया जाए। ये ध्यान रखना है, हमेशा ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। किसके पास पॉजिटिव, इसके पास कब पॉजिटिव आएगा, इसके पास कब नेगेटिव आएगा, किसी दूसरे मटेरियल के साथ इसकी रबिंग करेंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्लास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ रगड़ा गया है ना, ग्लास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ जब रबिंग किया गया तब उस टाइम पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। यहां पे भी सिलिक क्लॉथ के साथ इसे पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज आएंगी क्योंकि दोनों को ही सिलिक क्लॉथ के साथ रगड़ा गया है। अगर हो सकता है ग्लास रॉड को किसी बिल्ली की खाल जो फर होती है उसके साथ रगड़ी जाए, फ्लैनल वैक्स के साथ रगड़ा जाए, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है ग्लास रॉड के पास। तो यहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि ग्लास रॉड को जब सिलिक क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास रॉड के पास, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हमने यहाँ लिखा है कि लाइक प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक प्रॉपर्टीज रिपेल्ड ईच अदर। अब जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड कर रहे हैं ना, तो अनलाइक प्रॉपर्टीज हैं, ये पॉजिटिव है तो हमने रिपेल्ड के लिए अपोजिट प्रॉपर्टी का नाम दिया नेगेटिव, हमने नहीं दिया, ये भी नाम नेगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने ये दिया था जब अंबर को हम वूलन क्लॉथ के साथ रबिंग करते हैं तो वहां पे जो अंबर के पास आता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे इसे एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, अपनी तरफ से निकाल लिया, अंबर के पास नेगेटिव चार्ज आता है। उसने दो नाम दिए थे, एक अंबर और वूलन क्लॉथ का, अंबर और वूलन क्लॉथ, वूलन को जब हम रबिंग करते हैं तो उसके पास नेगेटिव आता है अंबर के पास, ठीक है, उसे छोड़िए। यहाँ हमने केवल बस यही याद रखना है हमें कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, बस ये याद रखना है, अगर ग्लास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ रबिंग किया गया है। इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इससे अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इससे अट्रैक्ट करेगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अब ये देखो, ये भी दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी भाई, एबोनाइट रॉड है, ये सिलिक क्लॉथ है। अब यहाँ देखो, इसके पास इन दोनों को देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं अगर इस पेन को इस सिलिक क्लॉथ से रगड़ूंगा तो रगड़ने के बाद अगर इनके पास चार्ज आ जाता है या अट्रैक्ट करने लगते हैं छोटे पार्टिकल्स को, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिन दो सर्फेसिस को एक दूसरे के साथ रबिंग किया जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो दोनों पे चार्ज आ जाता है, दोनों को दूर हटा दिया, दूर हटाने के बाद फिर इन दोनों को पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। जिन दो को रबिंग किया जाएगा वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है ना। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, यहां सिलिक क्लॉथ के पास सिंपल है, ये पॉजिटिव है तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सिलिक क्लॉथ के पास यहां देखो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। सिलिक क्लॉथ जब ग्लास रॉड के साथ कॉन्टेक्ट में रबिंग में आता है तो सिलिक क्लॉथ नेगेटिव चार्ज होता है, सिलिक क्लॉथ जब एबोनाइट के साथ रबिंग में आता है तो सिलिक क्लॉथ के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, इसकी अभी एक सीरीज बनाते हैं, उस सीरीज से हम पता कर लेंगे कि किसके पास पॉजिटिव आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ये अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव नाम क्यों दिया एक्चुअल में, इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे दो, ये दो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को मैंने रबिंग किया, रबिंग करने के बाद अलग हटा लिया, अलग हटाने के बाद इनसे पास लाते हैं तो ये डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज खत्म हो जाता है। रबिंग किया, दूर हटाया, पास लाए, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद फिर हटा दिया, फिर दोनों को पास लाए, तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइम में रबिंग किया, दूर हटा लिया, चार्ज हो गए, फिर पास लाए, अट्रैक्शन हुआ, चार्ज खत्म हो गया, फिनिश। दूर हटा लो, फिर अब ना चार्ज अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। इट मींस क्या हुआ कि इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में इन पे चार्ज आया था और वो कैंसिल हो गया। और कैंसिल कब होता है मैथमेटिक्स में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज होती है ना, तो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज आया और इसके पास ये नेगेटिव क्यू चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज।
अच्छा वो सीरीज की बात कर रहे थे किसके पास कौन सा चार्ज आएगा। तो सीरीज को मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, उस सीरीज से हम पता कर लेंगे कि किसके पास कौन सा चार्ज आएगा। सबसे पहले है फर, जो बिल्ली की खाल होती है। सेकंड फ्लैनल मटेरियल, सारे मटेरियल्स हैं उनके मैं नाम लिख दूंगा। थर्ड एबोनाइट, 16 गट्टा पर्चा, ये भी एक मटेरियल है, तुमने नाम नहीं सुना होगा, सर्च कर लेना, गूगल कर लेना से गट्टा पर्चा के बारे में डिटेल्स। ये सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं, ये ही बताएंगे कि किसके पास पॉजिटिव आएगा किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो हमें केवल ये ध्यान रखना है जो सीरीज में पहले आएगा, अर्लियर जो होगा सीरीज में, जो सीरीज में पहले आएगा उसके पास पॉजिटिव आएगा और जो सीरीज में बाद में आएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। समझते हैं, फर को फ्लैनल के साथ हम अगर रबिंग करेंगे तो फर के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लैनल के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इन दोनों की रबिंग में इन दोनों के पास एक तरीके से चार्ज आएगा। अब देखो अगर हम फ्लैनल को वैक्स के साथ रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो फ्लैनल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैक्स के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां से हम ये डिसाइड करेंगे, देखो फ्लैनल के पास एक बार नेगेटिव आ रहा है अगर फर के साथ रबिंग कर रहे हैं और वैक्स के साथ रबिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यही जो पहले आएगा कॉटन वुड, कॉटन वुड को अगर हम रबिंग करेंगे कॉटन के पास पॉजिटिव आएगा, वुड के पास नेगेटिव आएगा। जो सीरीज में पहले होगा उसके पास पॉजिटिव आएगा, जो सीरीज में बाद में होगा उसके पास नेगेटिव आएगा। अब ये देखिए कॉटन को वुड के साथ रबिंग करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कॉटन को ग्लास के साथ रबिंग करेंगे तो कॉटन के पास नेगेटिव आएगा और ग्लास के पास पॉजिटिव आएगा, कॉटन को वुड के साथ रबिंग करेंगे तो कॉटन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जो सीरीज में पहले होगा। तो यहीं से हम यहां पता कर लेते हैं, देखो ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड दिस एंड सिलिक क्लॉथ दिस, ग्लास रॉड पहले है सीरीज में तो पॉजिटिव चार्ज, सिलिक क्लॉथ बाद में है तो नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट रॉड दिस, एबोनाइट रॉड और सिलिक क्लॉथ, सिलिक क्लॉथ दिस, सिलिक क्लॉथ पहले है पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रॉड बाद में है तो नेगेटिव चार्ज, दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हम पता करेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बस इसको रट लेना है, बस ये जो सीरीज है इसको ध्यान रखना है, इसी सीरीज के थ्रू हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिसाइड करेंगे कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है कि जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, है ना, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे हम इसकी चार्जेस के लिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो आज हमने पढ़ा है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो डिसाइड करती है किसके पास नेगेटिव आएगा किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, चार्ज रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में कैसे, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मैंने रबिंग किया दोनों के पास चार्ज आ गया और चार्ज जहां है उस बॉडी में ही रहेगा, रेस्ट में रहेगा, कहीं फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये चार्ज फ्लो करेगा, देखो रबिंग करने के बाद प्रॉपर्टी आ गई चार्जिंग की, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी वही नहीं है जो बल्ब जलाती है और पंखे चलाती है, टीवी चलाती है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे बॉडी के साथ क्लिंग हो जाते हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, चार्ज रेस्ट में है और हमारी बॉडी से ये रबिंग के सर्फेसिस की वजह से तो भी क्लिंग हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, सर हम कपड़े पहन रहे हैं ना, गम है गम चिपक जाता है, हम यहाँ राइटिंग करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये इंक है ब्लैक बोर्ड से, ये क्लिंग हो रही है ना, क्यों क्लिंग हो रही है, दिस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, इसके साथ चिपक रहा है, दिस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो तब उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको कहेंगे हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी के स्टैटिक एंड करेंट। फर्स्ट चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में ही स्टेट में स्टैटिक पोजीशन में रहेगा चार्ज, व्हेन चार्ज अगर रेस्ट में है,
चार्ज रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अगर मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और देखो चार्ज के बारे में सिंपल बात यह है कि चार्ज किस चीज का कॉज है ना। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, और चार्ज किस चीज का कॉज है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉज है चार्ज। देखो क्लास 11 में थोड़ा सा एक पार्ट है इसका, ही देख लेते हैं। 11th क्लास में हमने देखा था कि मास बॉडीज हैं, दो मास हैं m1 and m2, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मास बॉडी है। तो बॉडी के पास, किसी भी बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है मास की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसी तरीके से जो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी तरीके से एक बॉडी के पास चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे अब आगे चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ओके, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रॉपर्टी की वजह से, मास की प्रॉपर्टी की वजह से, और यहां इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से, चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 centimeter की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास, मास भी तो होता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो मास की वजह से भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स आपस में, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दोनों तरीके के फोर्स लगेंगे। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अभी आगे पढ़ेंगे कि किस पे क्यों ज्यादा फोर्स लगता है, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये कूलम लॉ में बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रॉन के पास देखो चार्ज भी है मास भी है, दोनों चीजें हैं एक बॉडी के पास, अगर मास की प्रॉपर्टी होती है ओनली तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, उन दोनों के बीच में अगर उसके पास चार्जिंग की प्रॉपर्टी भी आ जाती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। लेकिन अट्रैक्शन या रिपल्सन को कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा ऑलवेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में जाएंगे, अगर सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये दूर भागेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ना। तो ये इलेक्ट्रो चार्ज किसका कॉज बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉज बनता है, और मास बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज। ठीक है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता है, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सिंपल है, बहुत ईजी। Okay, today for close. Yeah, thank you.